क्या आपको भी आधार पीवीसी कार्ड अप्लाई करना नहीं आता है? तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। एक वीडियो में मैं आपको ये बताया था कि किस तरीके से आप पीवीसी आधार कार्ड कैसे आप ऑर्डर करेंगे, और आज के वीडियो में मैं आपको फिर यही बताऊंगा कि आप न्यू प्रोसेस से आप किस तरीके से आधार पीवीसी कार्ड आप कैसे घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में क्या करना है, आपको इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा किस तरीके से आप UIDAI से आधार PVC कार्ड आप कैसे न्यू प्रोसेस से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको PVC कार्ड अप्लाई करने के लिए किसी दुकान वाले के पास साइबर कैफे में नहीं जाना है, वहाँ पर लंबे लंबे लाइन लगा के खड़े होकर पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप से भी ये काम कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में वो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा जिससे आप ऑनलाइन घर बैठे PVC आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, जिसको प्लास्टिक आधार कार्ड बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको PVC आधार कार्ड बोलने का जो है ढंग नहीं है और वो जो है बोल भी नहीं पाते हैं PVC आधार कार्ड, वो सिर्फ ये जानते हैं प्लास्टिक आधार कार्ड। तो PVC आधार कार्ड प्लास्टिक ही आधार कार्ड है जिसको आप बहुत ही ईजी तरीका से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 85 रुपये में। आपको बाय पोस्ट जो है आपके घर पे आ जाएगा, जो आपके आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस होगा उसी एड्रेस पे आपको जो है बाय पोस्ट आपके घर पे PVC आधार कार्ड यानी प्लास्टिक आधार कार्ड आ जाता है। तो कैसे आपको PVC आधार कार्ड यानी प्लास्टिक आधार कार्ड कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे किस तरीके से PVC आधार कार्ड यानी प्लास्टिक आधार कार्ड कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। PVC आधार कार्ड ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इस पेज पर आना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखलाई दे रहा होगा, ऑर्डर आधार PVC कार्ड। आपको इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ ओके वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके वाले पर क्लिक करते हैं आपके सामने में यहाँ पर नया पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखलाई दे रहा होगा, ऑर्डर आधार PVC कार्ड। आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप दो तरीका से PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे इनरोलमेंट ID डाल के कर सकते हैं और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल के कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। कैप्चा समझ में नहीं आता है, कैप्चा को इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे और जितना बार रिफ्रेश करेंगे नया कैप्चा आएगा और वहाँ पर आपको डालना है स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में। इसके बाद यहाँ पे आपको जो अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है आधार कार्ड में, यहाँ पे टिक करेंगे और दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तब तो इसको रहने देना है। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके वही आधार नंबर पे जो OTP जाएगा, जो आप आधार नंबर में दिए हुए हैं तो उसी पर आपका OTP जाएगा। अगर आधार कार्ड में OTP लिंक नहीं है तब यहाँ पर अपना दूसरा मोबाइल नंबर डालिएगा, सेंड OTP पर क्लिक कीजिएगा तो जो नंबर दीजिएगा उसी पे आपका OTP जाएगा। यहाँ पूरा कुछ फिलअप करने के बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कीजिएगा तो आपके इसी नंबर पे OTP जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं नंबर जो है सेंड हो चुका है OTP, तो हम यहाँ पर OTP डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर सबमिट वाले पर क्लिक करेंगे। OTP डालने के बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर क्लोज वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ सबमिट वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है ऑप्शन दिखलाई दे रहा होगा, यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आई एग्री कन्फर्म वाले पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, कुछ वेट करना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका टोटल पेबल जो है अमाउंट 50 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे। अब यहाँ पे जो है ढेर सारा ऑप्शन दिखलाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से, नेट बैंकिंग, UPI और पैटम से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग से करने वाला हूँ तो मैं नेट बैंकिंग वाले पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपको बैंक चूज करना है कि आपको कौन सा बैंक में अकाउंट है। जैसे मेरा स्टेट बैंक में है तो मैं यहाँ पर स्टेट बैंक चूज करूँगा। यहाँ प्रोसीड वाले पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही प्रोसीड वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ रिफ्रेश नहीं करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके से SBI का इंटरनेट बैंकिंग का जो है यहाँ पे पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे अपना यूजर नेम डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे लॉगिन वाले पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने में कुछ यहाँ पे इस तरीके से आपका अकाउंट वगैरह आ जाता है, यहाँ पे कौन सा अकाउंट है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके फी पेमेंट है 50 रुपये, आपका रेफरेंस नंबर हो गया, अमाउंट जो वर्ड में हो गया, यहाँ कन्फर्म वाले पे क्लिक कीजिएगा। तो कन्फर्म वाले पे क्लिक करते यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिर गाइडलाइन देगा, यहाँ फिर से आप कन्फर्म वाले पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको कुछ वेट करना है। अब आपके मोबाइल पे OTP गया होगा जो आपके बैंक खाते से लिंक है, तो मेरे केस में यहाँ पे आ गया है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे हाई सिक्योरिटी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ कन्फर्म वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही कन्फर्म वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आपका पेमेंट है सक्सेसफुली कट गया है और यहाँ से आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। ठीक है, आपके बैंक की जो ब्रांच ये हो गया, कौन सा डेट में हुआ है वो आ गया, कितना पैसा कटा हुआ आ गया, और रिफ्रेश होने के बाद आपको सामने में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप जो है यहाँ पे सक्सेस दिखाई दे रहा है, और ये स्लिप जो है आप जो है डाउनलोड करके रख सकते हैं, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप जो है रख सकते हैं। यहाँ से जो है कैप्चा डालिएगा, ये जो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप है आप यहाँ से डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो इस पर टिक कर दीजिए इस तरीके से, इसे टिक करते हैं, यहाँ पर देखिए कि आपका जो यहाँ पे जो है डाउनलोड हो गया है, इसको क्लिक कीजिएगा और अपना स्लिप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आप यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड है, तो आपका यहाँ पे पेमेंट रिसीव जो है डाउनलोड यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिसीप्ट नंबर आ चुका है, ये सारे नंबर से जो है आप बाद में भी इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, इसके बाद कितना पेमेंट कटा है, इसके बाद आधार नंबर क्या है, अब कंप्लीटेड हो गया है, वो आपको यहाँ से ऑर्डर प्लेस हो चुका है। सो गाइस, बहुत ही इजी तरीके से आप घर बैठे अपने आधार कार्ड PB से आधार कार्ड मंगा सकते हैं बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना दुकान में जाए, बिना साइबर कैफे में जाए, वो भी 85 रुपये में। अगर आप यही काम करते हैं दुकान में जाके तो वहाँ पे 80 रुपये से कम लेगा भी नहीं। सो गाइस, आपने इस वीडियो में यह तो सीख ही लिया होगा किस तरीके से PVC आधार कार्ड यानी प्लास्टिक आधार कार्ड कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।